एवरीवन माय नेम इज भवत अनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेंट जेवियर कॉलेज का बीएमएस कोर्स अगर आपको अपना बीएमएस कोर्स करना है आफ्टर क्लास ट्वेल्थ देन सेंट जेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर कॉलेजेस जिसमें लोग जाते हैं अपना बीएमएस करने के लिए एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेजेस तो आज की वीडियो में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं अबाउट इसकी कट ऑफ फीस कितनी सीट्स हैं क्या है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो ऑलरेडी लेकिन फिर भी हम एक डेप्थ में बात करेंगे अबाउट सेंट जेवियर कॉलेज एंड ऑल्सो आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है एग्जैक्टली exactly? कौन से आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं अगर आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एनालिसिस की पास्ट ईयर जो आपके पेपर्स आए हैं उसके अंदर ये ये क्वेश्चन ज़्यादा आए थे तो ये वाले करके जाना सो पूरी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को अगर मैं बात करूँ अबाउट सेंट जीवियर कॉलेज तो सेंट जीवियर कॉलेज में आपकी बी कोर्स के लिए सिक्सटी सीट्स हैं इसका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो कैसे है आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसके अंदर हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे प्लस वन फॉर एवरी राइट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग 100 क्वेश्चन में से 20 परसेंट क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के 20 होते हैं एल के एल मतलब लॉजिकल रीजनिंग 20 होते हैं डी के यानी कि इंटरप्रिटेशन उसके बाद 20 होते हैं मैथ्स के एंड 20 होते हैं आपके जीके के ठीक है ये आपकी कुछ डिवीजन होता है ऑलमोस्ट रफली इतना ही होता है इन 100 क्वेश्चन का इसकी जो आपकी वेटेज है वो है सिक्सटी परसेंट एंड आपके बाकी फोर्टी परसेंट दिए जाते हैं आपके क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स को यानी या कि आपके पास अकेडमिक्स को अगर हम बात करें कट ऑफ कर की तो पूरा जो आपका हाईएस्ट स्कोर होता है वो होता है हंड्रेड का एंड हंड्रेड में से जो ट्वेंटी ट्वेंटी कट ऑफ थी वो थी एटी फोर पॉइंट सिक्स फाइव एंड ट्वेंटी नाइनटीन की फर्स्ट कट ऑफ थी सेवेंटी सिक्स एंड सेकंड कट ऑफ थी सेवन टू तो इस रेंज में आपकी कट ऑफ जाती है या आपको एक आइडिया देने के लिए है कि कितनी कट ऑफ आपकी हो सकती है इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है हर ईयर थोड़ी थोड़ी कट ऑफ चेंज होती है लेकिन दिस विल गिव यू गुड आइडिया ऑफ द कट ऑफ ऑल्सो अब मैं सेंट जेवियर की वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो डेट्स हैं उसमें हैं आप देखोगे कि जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो खत्म होने वाली है आपके मे मंथ में ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है एंड आज आई थिंक ट्वेंटी में है तो जल्दी जल्दी नौ दिन बचे हैं केवल आपको फॉर्म अगर फिल करना है सेंट जेवियर का तो आपको अभी फिल करना पड़ेगा नहीं तो ये निकल जाएगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी सो जो डेट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ मे 2021 जो कि अभी स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट एंड देन सेंट जेवियर बी एम एग्जाम की जो आपकी डेट है वो है सेकंड वीक ऑफ जून ठीक है तो सेकंड वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी लास्ट वीक ऑफ जून तक एंड ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो घर से होगा आपको मोस्ट ट्रेबली क्योंकि अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है देन आई थिंक घर से कंडक्ट होगा पेपर सो so, अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है देन आपको भर देना चाहिए अभी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फीस इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेजेस आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन सेकंड ईयर की फीस है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड थर्ड ईयर की फीस है अराउंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टोल मिला के आपका है, आता है नाइन्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी एट जो कि एक काफी अफोर्डेबल अमाउंट है आपकी पूरी तीन साल की डिग्री का अगर आप यहाँ बी एम एस का कोर्स करते हैं फॉर योर ल्सो अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स हैं पे है जिसके अंदर से जनरल के लिए 13 है माइनॉरिटी के लिए 25 फाइव है रिजर्व कटेगरी के लिए 13 है मैनेजमेंट कोटा के लिए 9 है एंड टोटल आपकी मिला के आती है सीट्स अब ये जो मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिखी है जनल की है तो अगर आप एक जनल कैंडिडेट है तो आपको इतना मान के चलना है कि यू हैव टू स्कोर दिस मच टू तो गेट एडमिशन इन टू सेंट जेवियर कॉलेज फॉर द बी एम कोर्स अब अगर मैं बात करूं आपके क्वार सेक्शन की तो कॉर्ड सेक्शन वॉज इजी टू मॉडरेट इन द पास्ट इयर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं Uh, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर कॉर्स सेक्शन ऑफ सेंट जेवियर देन यू मस्ट स्टडी दिस चैप्टर्स विच आर प्रोबेबिलिटी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पाइप्स एंड सिस्टम्स मैंसुरेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो प्रमोशन कॉम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सीरीज एंड टाइम एंड वर्क सो दीज आर चैप्टर जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे पिछले कुछ सालों में सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉर्ट्स देन यू मस्ट नॉट स्किप दीज चैप्टर्स एंड इन पर ज़्यादा फोकस करना एंड बाकी और जो चैप्टर जो आपको लगते हैं दैट यू कैन प्रिपेयर बेस्ड ऑन द पास्टर पेपर्स बट दीज आ मस्ट डू चैप्टर फॉर योर कॉन्सक्शन अगर हम बात करते हैं आपके वर्बल एप्टीट्यूड की तो वर्बल एप्टीट्यूड वॉज अगेन ईजी टू मॉडर्ट अकॉर्डिंग टू मी द की टॉपिक्स वर वोकेबरी एक्टिव एस ए वॉइस एनालिस आर सी दट इज योर रीडिंग कॉम्बिनेशन एंड यूर कलेक्टिव नाउंस सो आपको इन पर फोकस करना चाहिए फ्यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट जेवियर्स वर्बल एप्टीट्यूड एंड अदर देन देट आई वुड सजेस्ट कि इन जनरल यू शुड हैव अ गुड वोकेबलरी बिकॉज अ गुड वोकेबलरी इज द की थिंग वैन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन वर्बल एप्टीट्यूड तो आप ट्राई करो कि यू शुड ट्राई एंड लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे बिकॉज आइट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन वर्बल एबिलिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड वर्बल एबिलिटी आर दोज क्वेश्चन जिनके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो लाइक यू आर गिवन अन्टेंस एंड देन देर इज अ डैश इन बिटवीन एंड यू हे टू फिल द डैश विद्रोप्रिएट वर्ड तो अगर आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग नहीं है अगर आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है सो यू विल नॉट बी एबल टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू विल सम हाउ फेल इन दिस सेक्शन एंड दैट्स वाई आई हैव मार्क दिस मॉडरेट सो इफ यू आर गुड इन वर्बल एबिलिटी इफ़ यू हैव अ गुड वोकेबरी दैन फॉर यू इट विल बी ईजी जॉब टू क्लियर दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम बट अगर आपकी uh, जो वोकैबलरी है या फिर आपकी रीडिंग कॉम्बिनेशन वो वीक है दैन इट कैन बी अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट टास्क इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद योर वोकैबलरी सो प्लीज़ फोकस ऑन योर वोकेबलरी एंड योर रीडिंग कॉम्बिनेशन स्पीड टू स्कोर गुड इन वर्बल एप्टीट्यूड सेक्शन अगर हम बात करते हैं अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन सो डेटा इंटरप्रिटेशन वॉज मॉडर्ट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड फोकस ऑन पाई चार्ट बार चार्ट टेबल्स एंड लाइन चार्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दीज ओनली एंड इन डेटा एंड यू गेट क्वेश्चन लाइक आपको एक ग्राफ uh, मिलेगा सपोज पाई चार्ट एंड यूजिंग दैट पाई चार्ट यू हैव टू सॉल्व अराउंड फाइव क्वेश्चन सो इन टोटल यू विल गेट अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ डेट एंड्रिप्लेन दट मीनस आपको फोर डिफरेंट चार्ट्स मिलेंगे वन कैन बी अ बायोग्राफ वन कैन ब लाइन चार्ट वन कैन बी यू नो अ टेबल एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन सो डेटा ट्रिप्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पेशली इन चार्ट के यानी कि ट्राई एंड डू एटलीस्ट टू थ्री क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट टू एंड थ्री क्वेश्चन ऑफ बायोग्राफ सो दैट एटलीट वन यू गो देयर आपको थोड़े से ये वाले क्वेश्चंस करने आते हो एंड यू डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम वाइल डूइंग योर डीआई सेक्शन फाइनली इफ यू टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट देन अकॉर्डिंग टू मी लॉजिकल रीजनिंग वॉज द मोस्ट ईजी पार्ट अमंग ऑल द फोर फाइव सेक्शन दैट वी हैव लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे बट द मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी वर ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वेन डायग्राम सॉजिज्म अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग एंड विजुअल रीजनिंग अगेन अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग आई हैव मैंने बाकी वीडियोज में बोला है आपको अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं सो इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देन इसके एक या दो क्वेश्चन ही आए थे सो यू कैन लीव देम एंड इनस्टेड यू कैन ट्राई एंड डू द अदर क्वेश्चन बाकी द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट वॉज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी सो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है लॉजिकल uh, रीजनिंग की तो आप ये वाला सेक्शन सॉल्व कर लोगे सो दैट वॉज इट फॉर द एग्जाम पैटर्न नाउ इफ आई टू गिव अ फाइनल वर्ड देन आई वुड से सेट सेंट जेवियर इज अ वेरी गुड कॉलेज एंड यू शुड फिल द फॉर्म आई नो इसमें सिक्सटी सीट्स ही हैं एंड उसके अंदर भी रिजर्वेशन है बट अगर आप एक डिसेंट कट ऑफ लेके आते हैं इसके अंदर देन इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉलेज फॉर डूइंग योर बी एम एस डिग्री नाउ इफ यू टॉक अबाउट योर सैलरी देन सैलरी वेरीज फ्रॉम एनी वीयर बिटवीन फाइव टू इज अ वेरी गुड सैलरी फॉर अ ग्रेजुएट आफ्टर डूइंग अ बी एम एस कोर्स तो मेरे हिसाब से आपको जरूर इसमें फॉर्म भरना चाहिए एंड जाना चाहिए इन सेंट जेवियर यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं बी एम एस है बी एम एम है आई थिंक बीबीए भी है आप उसको भी चेक कर सकते हैं तो अगर आपने इसका अभी फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भर दो बिकॉज इस मंथ के एंड तक ही इसकी डेडलाइन है सो दट इस फोर टोडेज वीडियो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है इस वीडियो की एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू